Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. सब और नहायत शकीन है।
आपात नाजर करने से पछताने वाला वादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और पत्थर बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर और तपावन हो। सेनून ने नरसिंगा को रोजे का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर खानों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने किरदार खाने से बाहर निकल। ड्यूटी और मसवा के दरमियान काहिन यानी खुदावन के खादम मातम करें और कहें, ऐ खुदावन अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी विरासत की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि खुदा कहाँ है? यूं खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम भी पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस बाब काबे मुकद्दस मती उसके छठे बाब में से सुन। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अचरना मिलेगा। बस जब तू ऐलान करे तो अपने सामने कोई ही मत बुलवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कुछों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना चाहिए, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना हो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम रात के पूर्व अपने रोजों का आगाज कर रहे हैं जो 40 दिन पर मोहित है। खुदावंद ने हमें कलीसिया के जरिए से रोजों के लिए आयाम बख्शे हैं जो पहचानते हैं, खुदा उनकी राहों को हमवार कर देता।
जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूं। अगर हम खुदा खराब के काम करने, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं
हमें बताया जाता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं, जो जिंदगी में हमारे रवैये हैं, वो इंसान का और खुदा का ताल्लुक है आपस में, ना कि हम इंसानों को खुश करने के लिए जो है वो काम करें, बल्कि हम ये काम इसलिए करते हैं कि खुदा हमें बता रहा है, खुदा हमें सिखा रहा है, खुदा हमें दावत दे रहा है कि हम अच्छे और नेक इंसान बने। खास तौर पर रोजों के कुछ दिनों में रोजा रखते हुए दुआ के जरिए से और खैरात के कामों के जरिए से। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, रोजा हम सब के लिए अहम है, लेकिन जो बच्चे हैं उन पर रोजा फर्ज नहीं है। रोजा पालन खास बात कलीसिया की जानिब से फर्ज है। जो बुजुर्ग है वो चाहे तो रोजा ना रखे, उन पर रोजा फर्ज नहीं है। जो बीमार है उन पर भी रोजा फर्ज नहीं है, मगर जो इंसान तंदुरुस्त है, जवाना है, बालिग है, उन पर रोजा जो है वो फर्ज है। और मेरे अजीज भाई और बहन, रोजा हम इंसान क्यों रखते हैं, क्यों हम खाना नहीं खाते, क्यों हम पानी नहीं पीते, कोई चीज हम खाना नहीं चाहते रोजे के दौरान, क्यों है ऐसा? इसके लिए दो पहलू आम है। पहला, जब हम खुराक नहीं खाते, पानी नहीं पीते, जो उसने हमारी खातिर सलीब पर उठाई, खुद भी जिस्मानी तकलीफ रोजे के जरिए सहते हैं। और दूसरा पहलू रोजा रखने का ये कि हम अगर खुराक नहीं खाते, हम रोजों के दिनों में अपनी ख्वाहिशों को मारते हैं, जो चीज हम लेना चाहते हैं वो हम नहीं लेते, तो जो इन पैसों को या इन चीजों को हम उन लोगों को दें जिनके पास ये चीजें मयसर नहीं, जो भूखे हैं, जिनके पास खाने को नहीं उनको खाना खिलाएं, जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा दें। ये मसीहत हमें सिखाती है, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। ये सिर्फ रोजों के दिनों में नहीं करता, हमने पूरी जिंदगी में करना है, मगर रोजों के ये दिन में खास तौर पर ऐसे कामों में आगे बढ़ने की दावत देते हैं। तो रोजा रखना आम है। दूसरा मुद्दा, दुआ करना। दुआ करना, दुआ सारी जिंदगी का मर्जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन रोजों के दिन में हमें याद दिलाया जाता है एक दफा फिर कि दुआ जिंदगी में अहम है और हमें दुआ के जरिए से खुदा में मजबूत होना है। दुआ, और मैंने पहले भी बताया है कि दुआ के तीन पहलू अहम है। एक, इंफरादी दुआ, अकेले बैठकर मैं दुआ करता हूं, कोई भी शख्स अकेले तन्हाई में अकेले दुआ करता है। दूसरा, खानदानी दुआ, खानदान में मिलकर
कर दुआ करना। दुआ का दूसरा पहलू है खानदानी दुआ, और तीसरा पहलू दुआ का है कलीसियाई दुआ। जैसे हम कलीसियाई तौर पर गिरजाघर में इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, तो दुआ बल्कि उनकी तो बात आता है, मेहरबानी से
अपने बंदों की दुआएं कबूल करके इस रात को पा कर हम इसे अपने हाथों पर बताएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक ही में लौटेंगे। बख्श दे कि हम कर्मयोगी के साथ रोजों की पाबंदी करने से अपने गुनाहों की माफी और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल ठहरे। मसीह खुदा पर के वसीले से
दुआ हम क्या कर रहे हैं अपने रोजों का आगाज कर रहे हैं तो खुदा हम खुदा अपनी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपनी जिंदगियों को तब्दील करें और हमेशा खुदा पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगियां बसर करें। ऐसी जो दुआ Thank you.
तेरे प्यारे बेटे के दुखों को तुम याद करे जो मार कर और मुर्दों में से जिंदा होता है, अब तेरे साथ हमेशा तक जिंदा रहता और सदा रहता है। आया सब तो वही तो आपके जो हमारे पिता यीशु मसीह ने हमें सिखाया है।
क्या खुदा आप मुझसे मेहनत करते हैं अगर सब से विचार इधर मुस्लिम के पास जाकर कृष्ण भक्त के टॉपिक से आपने मुबारक मेरे पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार हर वक्त गुनाहों से आजाद और मसीह से महफूज रहे
कि हमारे रोजे तेरी नजर में कबूल हो और हमारे लिए शफा का बायस हो, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। फरवरी पाक माह 6 बजे अंग्रेजी में होगी। रोजों के मौसम में दरार ना जुमा 3 बजे से है। मसीह खुदावंद के हुक्म पर गौर और बोझ करने के लिए 14 मकाम की इबादत और पाक माह सुबह करेंगे। रोजों के दौरान रोजमर्रा की तैयार के लिए आपको गले दिए जाएंगे। मुझे गले पाकमा से बाद अपने खानदान के लिए चर्च इंतजामिया से जरूर हासिल करें और आप ये गले गुड फ्राइडे वाले दिन अपना हदिया बार बार चर्च में वापस दे कर खुदा आपके साथ हो।